ধানবাদের ব্যাংক মোড় গুলি বর্ষণে কম্পমান সাত অপরাধীকে গ্রেপ্তার। মঙ্গলবার সকালে ধানবাদের ব্যাংক মোড় থানা সংলগ্ন এলাকা গুলি বর্ষণে কম্পমান হয়ে ওঠে। ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্যাংক রোড মোটকুড়িয়া রোড স্থিত একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থায় প্রায় এক ডজন অপরাধী অর্থলগ্নি সংস্থাতে লুট চালানোর ইচ্ছাতে প্রবেশ করে ও গুলি চালিয়ে কর্মীদের ভয়ভীত করার চেষ্টা করে, যে কারণে পুরো এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশের সাথে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে স্থানীয় জনগণের ভিড় জমে যায় ও পুলিশের কাছেও খবর পৌঁছায়। এরপর প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ ওই বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থার দপ্তর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং অপরাধীদের লুট করার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এরপর অস্ত্র সহ বেশ কয়েকজন অপরাধীদের পুলিশ আটক করে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এক অপরাধী মারা যায়। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো বয়ান জারি করা হয়নি। দুদিন পূর্বে সোনা দোকান মে লুট কি কোশিশ কি গই থি, আজ ভি মুখ্যমন্ত্রী ফাইন্যান্স কো দিন দহাড়ে লুট কি যোজনা কো বনায়ে কেসে অপরাধীয় কা মনোবল পুরি তরহ সে বড়া হুয়া থা। লোক দেখ রহে থে কি जो लीडर होकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने धनबाद पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से इस कार्य को किया और अपराधियों को पकड़ा भी है और एक लोगों की मौत भी हुई है। एनकाउंटर भी किया गया। ऐसी कार्रवाई की जरूरत है, इस कार्रवाई की जरूरत हमेशा है पुलिस को। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि इस तरह की कार्रवाई हमेशा हो, पुलिस का डर जो हमेशा बने रहे अपराधियों के ऊपर। ऐसी घटना का जानकारी ये घटना की जानकारी क्या, हमें 11 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया, दो दिन पहले डकैती हुई थी, आज फिर जो मुथूट फाइनेंस में डकैती के लिए लोग जो आए हुए हैं, ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन को, इस तरह की मुस्तैदी में बराबर दिखाए। सर थोड़ा कुछ संक्षिप्त जानकारी सर, प्लीज संक्षिप्त। पुलिस आई है और उसके साथ ही एनकाउंटर हुआ है, एक पकड़े एक मारा गया है, दो पकड़ा गया, फर्दर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। सर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने क्या क्या हुआ। सर अगर मुथूट फाइनेंस में लोग डकैती करने के लिए कुछ अपराधी आए थे, पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत आ गई है, एक एनकाउंटर हुआ है, एक मारा गया है, दो पकड़ा गया, बाकी फर्दर हम आपको 3 बजे करेंगे। पुलिस की कामयाबी पर सर सभी जनता बहुत खुश है, आप सबको सभी हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जो भी होगा हम लोग 3 बजे बात जी। अपराधी जब है वो उस वक्त बच्चा पुलिस जैसे ही घेराबंदी शुरू किया वो लोग फायर करके भागना शुरू कर दिया, लेकिन इतने राउंड फायर करना पड़ेगा आपको, अभी देखा चेक करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एक अपराधी ढेर हुआ और फिर दो को आप लोगों ने जिंदा पकड़ा, दो को एक को मैंने पटक के गिराया, उसके बाद जो मेरे सबोर्डिनेट था उसको कवर किया, एक जो फायर किया मेरे तरफ उसको मैंने रिटेलिएट करके हिट किया, वहीं पे गिर गया, उधर से फायर तीन पकड़े गए, अभी तीन पकड़े गए और एक फरार हुआ किसी तरह से। दो दो अभी 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 कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग को सर्च करना है जी। देखिए एक यहाँ पे होगी कहाँ पे जहाँ खड़े हुए हैं जस्ट उसके दाहिने सर, उधर से फायरिंग हो रही थी क्या, फायरिंग जब हुई तब ना फायरिंग का जवाब उधर और फायर हो सर। अभी देखिए सीनियर अफसर है वो बात करेंगे।